Bismillahir Rahim Assalamu Alaikum My name is Maria Jahangir and I am from Department of Apparel and Textile Rana Liaqat Ali Khan Government College of Home Islamic Karachi Course title Clothing and Textile for first year Unit number 1 Study and importance of clothing and textile definitions of clothing and textile importance of clothing according to islam importance of textile definitions of clothing and textile clothing is the things that humans often wear articles of clothing also known as apparel dress and garments textile is defined as cloth or woven or knitted fabric a piece of heavy linen that you buy in order to sew a dress is an example of textile textile basically is a latin word which means to weave हम जो कुछ भी पहनते हैं वो हमारा लिबास कहलाता है और हमारा लिबास हमारे घर और आसपास मौजूद तमाम चीज़ें जो फाइबर या फैब्रिक से बनी हैं वो सब टेक्सटाइल का हिस्सा हैं हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंसान की तीन अहम और बुनियादी ज़रूरतें हैं फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स यानी रोटी कपड़ा और मकान जिनके बग़ैर इंसान का इस दुनिया में ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है इंसान जब इस दुनिया में आता है तब भी उसे लिबास की ही ज़रूरत होती है और जब वो इस दुनिया से जाता है तब भी उसे लिबास ही पहनाया जाता है हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंसान की तीन अहम और बुनियादी ज़रूरतें हैं फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स यानी रोटी कपड़ा और मकान जिनके बग़ैर इंसान का इस दुनिया में ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है इंसान जब इस दुनिया में आता है तब भी उसे लिबास की ही ज़रूरत होती है और जब वो इस दुनिया से जाता है तब भी उसे लिबास ही पहनाया जाता है सुर अलराफ़ आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने लिबास को अपनी नेमतों और निशानियों में से एक करार दिया है अल्लाह पाक फरमाते हैं ए औलाद आदम यकीन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत है और तकवा का लिबास बेहतरीन है यह अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि लोग सबक हासिल कर सकें अल्लाह ने इंसान को अशरफुल अशरफुलमखलूक़ बनाया है और उसमें ये फितरी जज्बा रखा है कि वो अपने जिस्म को भी छुपाए और जीनत भी अख्तियार करे अल-अराफ़ आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने लिबास को अपनी नेमतों और निशानियों में से एक करार दिया है अल्लाह पाक फरमाते हैं औलाद आदम यक़ीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत है और तकवा का लिबास बेहतरीन है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि लोग सबक हासिल कर सकें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुलमखलूक़ बनाया है और उसमें ये फित्र जज्बा रखा है कि वह अपने जिसम को भी छुपाए और जीनत भी अख्तियार करे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इस वक्त रोज़गार की अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क में तकरीबन 40 परसेंट लोगों को इस इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है इस वक्त पूरी दुनिया में कॉटन का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर भी पाकिस्तानी है और एशिया का आठवा बड़ा एक्सपोर्टर भी पाकिस्तानी है इस वक्त हमारे मुल्क के तकरीबन सारे सूबों में कॉटन ऊन और सिल्क की इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं जिनकी तादाद तकरीबन पाँच से भी ज़ायद है 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त की तादाद सिर्फ तीन थी इस वक्त हमारे लेदर और स्पोर्ट्स गुड जो हैं उनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में हाथ से बुना हुआ कपड़ा भी तैयार किया जाता है इसके अलावा शीशे का और धागे का काम यानी कि कढ़ाई इससे मकामी लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं आजकल के जदीद और तरक्की याफ़्ता दौर में टेक्सटाइल की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की जाए तो पूरी दुनिया जब करोना वायरस की लपेट में थी तो सबसे पहले लोगों ने अपने मुंह को छुपाने अपने चेहरे को ढापने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जरासीम से अपने हाथों को महफूज रखने के लिए ग्लव्स भी तैयार किए गए और उनको इस्तेमाल भी किया गया पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स ने हिफाजती किट्स को पहना ये इसलिए ताकि अपने आप को भी इस वायरस से महफूज रख सकें बल्कि दूसरों तक भी ये वायरस मुंतकिल ना हो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स मौसमी असरा जैसे कि धूप की तपेश या बर्फ़बारी से प्लांट्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है इन पर जो फ्रूट आता है वो भी सही तरह से नहीं आता है और उनकी ग्रोथ भी इस वजह से मुतासर होती है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट फैब्रिक्स डिफरेंट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ताकि इनको कवर किया जा सके इनकी प्रोटेक्शन हो और ये मौसमी असरा से महफूज रह सकें फ़ूड इंडस्ट्री में कॉफी uh, फ़िल्टर्स के लिए जो फ़िल्टर्स का फ़ाइबर uh, इस्तेमाल होता है वो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही है और इसके अलावा टी बैग्स को रैप करने के लिए यानी कि टी को रैप करने के लिए जो बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी फाइबर से ही बनते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हीकल्स के फ़िल्टर्स इसके अलावा गाड़ियों की प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर चढ़ाने वाले कवर्स और इंटीरियर के लिए सीट कवर्स भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही हैं पैसेंजर सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट्स और एयर भी होते हैं ताकि किसी भी हादसे से इंसानी जान महफूज रह सके बिल्डिंग मटेरियल, वॉलपेपर्स, पेपर्स वाल कवरिंग ब्लाइंड्स और वायरिंग के लिए भी डिफरेंट फाइबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स फायर फाइटर्स एंड बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वेड के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी डिफरेंट फाइबर से मिलके बनते हैं रिक्रिएशनल टेक्सटाइल्स सेल बोर्ड्स लाइफ जैकेट्स टेनिस रैकेट्स फुटबॉल्स एंड बॉल्स ये सब भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही हैं इसके अलावा आर्टिफिशियल पूल एंड आर्टिफिशियल सरफेसेस यानी ऑस्ट्रोट्रव में भी डिफरेंट फाइबर्स ही यूज होते हैं होम एसेसरीज आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड आर्टिफिशियल पॉट भी डिफरेंट फाइबर से ही मिलकर बनता है स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे तो उनका यूनिफॉर्म उनके बैग्स, उनकी पाउच और उनका बुक बाइंडिंग वगैरह ये सब डिफरेंट फाइबर से ही मिलकर बनते हैं और टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही हैं हम अपने घर में अपने आसपास पास भी देखेंगे हमें कुछ ना कुछ टेक्सटाइल ज़रूर मिलता है बेड शीट कर्टन सोफ़ा कवर्स कुशंस कारपेट यहाँ तक कि किचन में मौजूद एप्रेन एंड टॉवल भी ये सब भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही है पर्सनल एसेसरीज बेल्ट वॉलेट शूज हैंड बैग्स टूथब्रश ये सब भी डिफरेंट फाइबर से ही मिलकर बनते हैं लिबास हमें सर्दियों की शिद्दत और गर्मियों में तपिश से महफूज़ रखता है हम सर्दियों में मोटा कपड़ा पहनकर और गर्मियों में हल्के कपड़े पहनकर अपने आप को मौसमी असरा से महफूज रख सकते हैं सो दिस वॉज़ अवर टॉपिक स्टडी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल In this topic, we covered the points definitions of clothing in textile, importance of clothing according to Islam, and importance of textile. Thank you.